गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया, मैं आज आपके लिए नेचुरल हेयर डाई विथ इंडिगो लेकर के आई हूँ। ये आपके बालों को 15 दिन तक परफेक्ट ब्लैक करेगा, लेकिन आपको इससे पहले दो बार अपने बालों में मेहंदी लगाना है, क्योंकि मैंने मेहंदी लगा लिया है। मैं इसको आपको बताने जा रही हूँ कि आप इंडिगो अपना कैसे बनाएं हेयर डाई। इसके लिए मैंने जो है देसी गुड़हल लिया है। अगर आपके पास गुड़हल नहीं है तो आप उसका पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। ये आपके बालों को जो नरिश करेगा, आपके बालों में की ग्रोथ काफ़ी बढ़ाता है और आपके बालों को नेचुरल ब्लैक करेगा। साथ ही मैंने ग्रीन टी लिया है और एक बड़े चम्मच के करीब मैंने दही लिया है, क्योंकि इंडिगो का सब थोड़ा हार्ड होता है, यानी हमारे बालों को ड्राई करता है, तो ये आपके बालों को काफ़ी मुलायम करेगा। साथ ही मैंने जो कलर है उसका इंडिगो का, उसको एक्टिवेट करने के लिए नींबू लिया है, और साथ ही मैंने इंडिगो पाउडर लिया है, खादी का लिया है मैंने। आप हिना वेदा का भी यूज कर सकते हैं। इसका टू स्टेप होता है कि आपको पहले आपको बालों में मेहंदी, आप दो बार अपने बालों में अच्छा मेहंदी लगाए ताकि उसका कलर अच्छा आ जाए। मैं अब इसमें दही में एक चम्मच के जो मेरा आधा जो है नींबू है उसको, उसका मैं रस डाल लूँगी ताकि ये हमारे इंडिगो के कलर को एक्टिवेट करे। और साथ ही मैं जो है ग्रीन जो टी है, आधा ग्रीन टी है, उसको अच्छे से मैं लो फ्लेम पर बॉयल होने के लिए रखूँगी। ग्रीन टी आपको पता ही है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है। हमारे बालों के लिए और हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपको कम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि इसके जो सारे सत्व हैं इस पानी में आ जाएं। उसके बाद आपको गैस बंद कर देना है। अब मेरा ये पक चुका है, मैं गैस अपना बंद कर रही हूँ। गैस बंद करने के बाद मैं इसमें जो गुड़हल है मैं उसको ऐड कर दूंगी और उसके बाद एक प्लेट से ढक दूंगी। आपको जो है नेचुरल हेयर डाई का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो बाहर के जो केमिकल युक्त डाई होते हैं उसमें बहुत हार्मफुल तत्व पाए जाते हैं, जो आपके बालों को, पहले तो आपके बालों को काला तो करेंगे, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है कि उससे आपके बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे, उससे बालों की झड़ने की समस्या बढ़ जाती है, आपके बाल हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। तो आप इन केमिकल वाले डाई को छोड़ करके अगर आप नेचुरल ये डाई यूज़ करते हैं तो उसके परफेक्ट रिजल्ट होगा। आपको वीक में आप इसको 15 दिन में अप्लाई कर सकते। इस विधि से आपका 15 दिन मेरा जो कलर है इंडिगो का वो चलता है। तो मैंने ये जो रस निकाल करके दही में ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने इंडिगो दो चम्मच के करीब मैं जो है इंडिगो पाउडर वो मैं इसमें इसी जूस में ऐड करूँगी। ये जो सत है इसमें मेरा पानी में सारा सत आ गया है। अब मैं इस इंडिगो को इसमें अच्छे से एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। आपको ध्यान रखना है, इसको मेहंदी की ही तरह पेस्ट बनाना है, लेकिन आपको उससे मेहंदी के से थोड़ा सा पतला इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। आपको ये ध्यान देना ये बात इस बात का है कि आप इससे पहले दो बार या एक बार अपने बालों में मेहंदी अप्लाई करिए, ताकि ये जो है इंडिगो जो है आपके रेड कलर पे ही चढ़ता है, इससे आपका जो परफेक्ट लुक ब्लैक आता है। आपको एक पन्नी से इसको अच्छे से कवर कर देना है ताकि आपकी, और ज़्यादा देर इसको कवर रखना नहीं, आपको 15 से 20 मिनट तक ही आपको इसको भिगा के रखना है। उसके बाद मैं अपने बालों पर इसको अप्लाई कर रही हूँ, मैं अपना लाइव डेमो दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है कितना ज़्यादा परफेक्ट आता है। तो आप अगर मेरा डाई अगर आपको ये देखिए, उसके बाद अपने बालों पे अप्लाई करिए। लेकिन आपका कुछ लोगों के में इंडिगो नहीं चढ़ता है, क्योंकि उनका जो है बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने इससे पहले एक सीरम शेयर किया है। आप उसको लगाइए जो है, उससे बालों का आपके टेक्सचर सही हो जाएगा और उसके बाद मेहंदी का और इंडिगो का कलर बहुत अच्छा चढ़ेगा। क्योंकि बहुत सालों से जो लोग जो केमिकल वाला डाई यूज करते हैं तो उनके लिए एक बार भी चढ़ता नहीं है, बहुत लोगों पर एक बार में ही चढ़ जाता है। तो आप अपने टेक्सचर के हिसाब से आप देख लीजिए और मेरा सिरम अप्लाई करिए। आप मैं इसको एक पन्नी से कवर कर लूँगी। आपको 1 से 1.5 घंटे तक इसको बालों में रखना है। आप देख सकते हैं कि मेरे बालों का कलर कितना ब्लैक हो चुका है। ये मैं तुरंत अपने बालों को धो करके ही दिखा रही हूँ।